नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2021 का हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का UPSC IAS PT में पूछे गए सवाल। सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी में पढ़ते हैं तो ये देखता है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है इल्तुतमिश के शासन काल में, क्लियर, चंगेज खां भगोरे ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, क्लियर। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ें इसी स्टेटमेंट को, तो कहता है इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, मतलब इल्तुतमिश के पीरियड में चंगेज खां रीच्ड द इंडस रिवर। क्यों आया यहां तक, इन परस्यूट ऑफ, खोज में, खोजते खोजते आया, ऑफ द फ्यूगिटिव ख्वारिज्म प्रिंस, जो ख्वारिज्म है वहां से जो भाग करके आया हुआ है युवराज, उसको खोजते खोजते चंगेज खां इल्तुतमिश के समय में इंडस रिवर तक आया। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, हाँ, तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया और सिंधु नदी पार की थी। इंग्लिश में कहता है इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट द तैमूर, बाद में मतलब तैमूर की बात कर रहा है यहां पे, ऑक्युपाइड किसको, तो मुल्तान को, एंड क्रॉस द इंडस, और इंडस को क्रॉस किया। ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। इंग्लिश में कहता है इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकेंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला। एंड देन कहता है Which of the statement given above is are correct? A, one only. B, one and two. C, only three. And the D, two and three. इसमें हमें क्या क्या देखना है, इसको देख लीजिए। सबसे पहले हम इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे, देन चंगेज खां के बारे में जानेंगे, चंगेज खां कहां के थे, तो मंगोल के थे, तो मंगोलिया कहां है, कैसे ये अपना एम्पायर बनाया चंगेज खां, ये जानेंगे। इंडस के बारे में जानेंगे, और ये जो ख्वारिज्म एम्पायर है ये कहां था, और इसका जो राजकुमार भाग के आया था वो कौन था, इसको इसमें हम जानेंगे। दूसरे ऑप्शन में कहता है तो इसको देखते हैं, तो हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे, तैमूर कौन था उसके बारे में जानेंगे, मुल्तान कहां है ये जानेंगे, एंड इंडस रिवर कहां है ये जानेंगे। तीसरे ऑप्शन में कहता है तो इसको हम कहेंगे कि देवराय सेकेंड कौन था ये देखेंगे, और विजयनगर एम्पायर कहां था ये देखेंगे, वास्को डी गामा कहां से आया था और केरल के कोस्ट पे आया था तो वो भी हम देखेंगे, किस जगह पे आया था। इतना चीजों को हम आज कवर करेंगे, साथ ही साथ बहुत कुछ और कवर करने वाले हैं, इसलिए मैं यहां लिखा हूं कि एक तीर से मोर देन 16 निशान कैसे, इसको हम आज डिटेल से जानेंगे कि एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कितने मोर देन 15 to 25 जो फिगर्स है, जो फैक्ट्स है, जो डाटा है, ये सारे हमारे पास आ जाता है। एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज को कलेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे इस सारी चीज को हम बताएंगे, बने रहिएगा अंत तक, बहुत मजा आएगा, आनंद लेके पढ़ेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंगोल का। देखिए, मंगोल के बारे में बात करने के लिए हम आपको, ये जो आप देख रहा है ना, ये जो आप, ये मंगोल एरिया है, देखिए कैसे बढ़ रहा है, बढ़ते रहा बढ़ते रहा बढ़ते रहा, इस वाले पूरे एरिया में है ना, ये जब बढ़ रहा है तो इस एरिया पे भी कब्जा कर रहा है। तो ये मंगोल का जो एम्पायर है जिसने चंगेज खान ने बनाया है, इस टाइम पे भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो टाइम बढ़ रहा है ना, तो आप देखिएगा तो ये टाइम के, देखिए 1206, 1219, 1227, 1227, 1237, 1237, 1237, 1237, 1237, 1237, 1237, 1239, 1294 एंड
ये सारा समय को देखिएगा तो किस तरह से मंगोल एम्पायर समय के साथ साथ अपना विस्तार ले रहा है, चंगेज खां कैसे इसको विस्तार किया है। जब ये मंगोल एम्पायर चंगेज खां के अंडर में विस्तार ले रहा था तो इस एरिया में यह जो इस साइड लेफ्ट साइड पिक्चर दिख रहा है यह ख्वारिज्म का एम्पायर है, यही एरिया ख्वारिज्म है। इसमें आज का पूरा सेंट्रल एशिया आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, ईरान आ जाएगा, ये सारा जो है यह ख्वारिज एम्पायर में आ जाएगा। तो जब ये मंगोल यहाँ पे आए तो इस ख्वारिज एम्पायर को तहस नहस कर दिया और यहाँ का जो प्रिंस था वो भाग करके इधर भारत की ओर आने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो जो चंगेज खां है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ये टाइम पीरियड कि ये कब सत्ता पे काबिज हुआ इसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन 1227 में यह डाइड कर गया। इस नीचे में देखिएगा टेरिटरी ऑफ ख्वारिज एम्पायर कब का है, तो 1215 का है, ऑन द ईव ऑफ मंगोल कंक्वेस्ट, मंगोल का जो आक्रमण होता है उससे पहले का ये एक पिक्चर है ख्वारिज्म का, मतलब 1215 का ये पिक्चर है और 1219 में मंगोल का आक्रमण हो गया है। क्या है, तो मंगोल अंडर देयर रूलर चंगेज खां इन्वेडेड ख्वारिज्म एम्पायर, ठीक है, सक्सेसफुली कंक्वेरिंग द होल ऑफ इट इन जस्ट 2 ईयर्स। इस पूरे एरिया को मंगोल अंडर द चंगेज खां कंक्वर्ड विद इन द 2 ईयर्स। ये बात क्लियर हो गया इस पहले स्लाइड से, मैंने आपको बताया मंगोल, मंगोल से ख्वारिज्म, ख्वारिज्म को 2 साल में बर्बाद कर दिया, यहां का जो शासक जो प्रिंस था वो भाग करके, प्रिंस का नाम जानते हैं क्या है, जलालुद्दीन मकबरनी था, वो भारत की ओर भागा है। अब दूसरे स्लाइड में हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं, उसको देखिए। अब भाई साहब यहां से जब भाग करके आ रहे हैं तो वो भारत की ओर आ रहे हैं, भारत में इस पिक्चर में आइएगा, इस राइट साइड में ये आपका दिल्ली है और ये तो पिक्चर दिया हुआ है सेलिब्रिटी डायनेस्टी का 1206 से लेकर 1290 के बीच में, लेकिन हम इल्तुतमिश की बात करें तो 1211 से 1236, 1211 से लेकर के 1236 की बात करते हैं, इस पीरियड की बात करते हैं। और आप जानते हैं अटैक कब किया था, तो ये 1219 में इस साम्राज्य पे अटैक किया था मंगोल ने, यहां से इस एरिया से मंगोल आया था, अटैक किया था। इसका मतलब ये जो डेट लाइन है यह इस बीच में पड़ता है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो इल्तुतमिश के पीरियड में ही हो रहा है, जबकि इल्तुतमिश भारत में दिल्ली सल्तनत का शासक है। ये बात क्लियर हो गया। ये यहां पे आप देख रहे हैं कि ये मंगोल यहां तक पहुंच गया है और ये ख्वारिज्म का जो प्रिंस है ये भागते भागते इंडस को क्रॉस तो कर चुका है और दिल्ली का जो सुल्तान है इल्तुतमिश इनसे कहता है कि मुझे एसाइलम दो, मुझे शरण दो। और ये इल्तुतमिश देख रहा है कि मंगोल यहां तक आ गया है, अगर इसको एसाइलम दिल्ली में दिए तो ये मंगोल अर्थात चंगेज खां इनका पीछा करते करते दिल्ली तक भी आ सकता है और दिल्ली को बर्बाद कर देगा। इसीलिए इल्तुतमिश ने इसको मना कर दिया, बहुत ही मतलब प्यार से मना किया था कि आपके लिए दिल्ली की आबो हवा सुटेबल नहीं है, मौसम आपके अनुकूल नहीं है, आप यहां आएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, यह कह करके इनको मना भी कर दिया और उसको बुरा भी ना लगे ये भी बता दिया। इसी बीच इस चंगेज खां के दिमाग में एक प्लान था कि ऐसा करते हैं कि इस तरह से होते होते नॉर्थ इंडिया में एंट्री करते हुए, नॉर्थ इंडिया का पार्ट होते हुए असम होते हुए, ऐसे होते हुए फिर चाइना चले जाएंगे और चाइना होते हुए फिर मंगोल चले जाएंगे, ये चंगेज खां का प्लान था। बट इसका प्लान जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और इल्तुतमिश ने इस ख्वारिज्म के जो प्रिंस है इसको एसाइलम भी नहीं दिया और फिर दिल्ली सल्तनत चंगेज खां के अटैक से बच गया। ये बात क्लियर हो गया। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है पहला क्वेश्चंस का, इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खां रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूगिटिव ख्वारिज्म प्रिंसेस, इसका मतलब यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्युपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा फिर से देख लेते हैं। देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इस तरह से पूरा ये रेड लाइन जो मैं कर रहा हूं, इस तरह से पूरा एरिया यह तैमूर का है, ये दिल्ली तक आ चुका है भाई साहब, इसका वो वाला मैप है दिल्ली तक आने के बाद का, ये सारा चीज आप देखते जा रहे हैं, ये सारा तैमूर का एरिया है,
ये तैमूर का एरिया है, ये तैमूर पिक्चर दिख रहा है। तैमूर का रीजन क्या है, 1370 से 1405 1372-1405 ये तैमूर का रीजन रेन है। इस समय यह शासक था मतलब लगभग 35 ईयर्स, है ना। यहां तक समझ में आ गया, तैमूर, इनका एरिया, इंपायर और इनका अपना रेन मतलब पीरियड, ये क्लियर हो गया इस मैप से। यहां पे हम कुछ और आपको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यहां पे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको इस साइड से जो पहाड़ आ रहा है ये तियानशिन पहाड़ है जो चाइना से इधर से आ रहा है, इधर से जो आ रहा है ये काराकोरम है और इधर से जो आ रहा है ये हिंदू कुश है, और इन तीनों का यहाँ पे मिलन होता है, एक गांठ बनता है, नोट बनता है, इसी को बोलते हैं पामीर का पठार। ये क्लियर हो गया। इसी पामीर के पठार से दो रिवर निकलती है, एक इधर से और एक इधर से, ये वाली, इसको बोलते हैं सिर दरिया, ये जो रिवर गुजर रही है सिर दरिया, और इधर से जो गुजर रही है इसी को बोलते हैं अमू दरिया। तो सिर दरिया मतलब सर, सर मतलब ज्यादा नॉर्थ, सर जो है नॉर्थ की ओर है, और जो अमू दरिया है ये साउथ की ओर है, इन दोनों में, क्लियर हो गया। ये दोनों रिवर आकर के इस एरल सी में मिल जाती है, मतलब समझ में आ गया, इन दोनों के दोनों नदी के बीच का जो ये एरिया है ना, इसी को ट्रांस ऑक्सियाना कहते हैं, आगे हम इसकी बात करेंगे। तो मैप में हमने आपको ये बता दिया, ये तीनों पहाड़, इन तीनों का आकर के मिलना, पामीर का पठार बनना, यहां से दो नदी का निकलना, एक का अमू दरिया होना, एक का सिर दरिया होना और दूसरे का अमू दरिया होना, दोनों का एरल सी में जाके मिलना। आज एरल सी का बहुत बुरा हाल है, पानी है ही नहीं इस नदी पे। जब ये पार्ट था रसिया का, ये सब सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, तो इतना डैम बना करके एक्सप्लॉइट किया रसिया ने कि आज इस पे पानी है ही नहीं, लगभग मुझे लगता है 50% से भी कम बचा है ना। एनवायरमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, ये बात क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं, तो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक का जो अपना रेन है, जो पीरियड है 1325 से 51 है, और इनका क्या है जरा देख लीजिए, ये तो 1370 और 1405 के बीच है। तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तो 1351 में ये खत्म हो गया था, तो ये तो हुआ ही नहीं भाई, यहां तो लगभग 20 साल का गैप है। ये बात क्लियर हो गया, तो ये सही नहीं है इस पॉइंट पे। कहता है कि देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कोई आक्रमण कर दे ये संभव ही नहीं है भैया, ये तो बहुत ही बहादुर राजा था, एम्बिशियस था, इन्होंने यह सोचा था कि एनेक्स कर लेना है किसको, ट्रांस ऑक्सियाना को अपने किंगडम में मिला लेना है, जो अभी मैंने आपको ट्रांस ऑक्सियाना की बात किया था ना, यहाँ पे इस पूरे एरिया पे कब्जा करके अपने में मिला लेना है, यह सपना कौन देख रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक देख रहा था। ये और दिखा देता हूं, ये आपका दिल्ली है, ये मुल्तान है, ये काबुल है, ये कांधार है, ये हेरात है ना, ये अस्तराबाद है, ये सारा चीज मैं आपको, ये हॉर्मुज है, ये हॉर्मुज यहां पे भारत एक पोर्ट बना रहा है ना, ईरान का पार्ट है, ये सारा चीज मैंने आपको दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जो कि इस एक्सपेडिशन के लिए ट्रांस ऑक्सियाना पे कब्जा करने के लिए लगभग 370,000 सोल्जर्स खड़ा किया था, कब, 1329 में, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बाहर से कोई अटैक होगा इसका तो कोई सोच भी नहीं सकता है, तो इसका और टाइम पीरियड भी नहीं मिलता है, मतलब ये स्टेटमेंट इस लेवल पे तो गलत हो गया। जब तैमूर आया था तो 1398 में आया था, तैमूर दिल्ली तक आया था भाई साहब, सुल्तान कौन था उस समय में, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, नसीरुद्दीन था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। इन्होंने क्रॉस किया इंडस रिवर को और मुल्तान को भी कब्जा कर लिया था। इस मैप में आ जाएं, इधर से तैमूर आ रहा है, ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर को क्रॉस किया था, यहां पे मुल्तान है और मुल्तान को कब्जा किया, और ये आपका दिल्ली है, और ये फिर दिल्ली पे आया, बड़े पैमाने पर नरसंहार मचाया था, मतलब दिल्ली को बर्बाद कर दिया था, ये पागल शासक था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया, इसका मतलब ये दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे तीसरे ऑप्शन से, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय सेकेंड, विजयनगर एम्पायर के जो शासक हैं उसके समय में वास्को डिगामा आए थे और केरला में, केरला के कोस्ट पर, इस स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। तो ये आपका विजयनगर एम्पायर का ये मैप है इस कलर से, ठीक है। इसमें चार डायनेस्टी का शासन हुआ है, संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अरावेदु डायनेस्टी, और ये जो ऑप्शंस में दिया हुआ है देवराय सेकंड के बारे में,
इसका पीरियड है 1422 से 1446, समझ में आ रहा है आपको, है ना। और वास्को डी गामा कब आया भैया, 1498, 20 मई 1498, मतलब दोनों में कोई मैचिंग है, नहीं है। और वास्को डी गामा कहां पे आया, तो कालीकट पे आया, ये आप देख रहे हैं मैप में, ये जो आपको दिख रहा है ये कालीकट है। तब फिर सवाल होता है कि फिर किसके समय में आया है, तो वास्तव में वास्को डी गामा जो आया है ये नरसिम्हा राया सेकंड इसके समय में आया है, ये बात क्लियर हो गया। और ये नरसिम्हा राया सेकंड जो है ये सुलुवा डायनेस्टी के रूलर थे, ये बात क्लियर हो गया। ये सारे चीज क्लियर हो जाने के बाद अब हम फिर सवाल को पढ़ें, जिसका मतलब पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन ये भी गलत है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर ए हो गया, ओनली वन सही है। अब मुझे एक चीज बताइए कि ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये तीन क्वेश्चंस को, तीन स्टेटमेंट को सॉल्व करते करते इसमें हमने आपको क्या क्या चीज बताया। सबसे पहले तो हम आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया, चंगेज खान के बारे में बताया, मंगोल के बारे में बताया, ख्वारिज में एरिया कहाँ है वो बताया, उनका प्रिंस जो जलालुद्दीन मकबरी है वो बताया, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात किया, तैमूर के बारे में बात किया, नसरुद्दीन तुगलक जिसके समय में तैमूर आया था वो बात किया, इंडस रिवर कहाँ है वो बात किया, उसके बाद मुल्तान कहाँ है ये बताया, विजयनगर एम्पायर कहाँ है उसके शासक देवराय सेकंड के बारे में बताया, वास्को डी गामा के बारे में बताया, नरसिम्हा राय सेकंड के बारे में बताया, सुलवा डायनेस्टी के ये शासक थे ये बताया, उसके बाद ये जो आपका तेनसिन जो पहाड़ है वो पामीर पठार, ये काराकोरम, ये और हिंदू कोश, ये तीनों तीन तरफ से आकर के एक जगह मिलकर के जो पामीर का गांठ बनाता है वह बताया, वहां से दो रिवर निकलती है सिर दरिया और अमू दरिया ये बताया, और फिर वो दोनों रिवर जाकर के एरलसी में मिलती है, बहुत बुरा हाल है एरलसी का, ये सारी बात बताया। पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैं असल में आपको बताना चाह रहा हूं, इस तीन ये तीन स्टेटमेंट से आपको यहाँ पे ये मंगोल है इसका एक्सपेंशन हुआ है तो ख्वारिज्म को बताया, यहाँ से दिल्ली में एक्सपेंशन हुआ है, दिल्ली के बाद यहाँ पे साउथ इंडिया हो गया, मतलब साउथ इंडिया में विजयनगर, यहाँ नॉर्थ इंडिया में सल्तनत पीरियड में शासक, यहाँ पे सेंट्रल एशिया में मंगोल वाला एरिया में चंगेज खान, ये इधर आया सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से फिर यहाँ पे आया, तो ये, और फिर यहाँ पे पुर्तगाल है, पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा ऐसे आया और आते आते यहां पे आ गया, मतलब आपको एक वैश्विक परिदृश्य में इस क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश यूपीएससी ने किया है। यूपीएससी ने कहा है कि आंख खोलो, विश्व में क्या होता है उस पर नजर रखो, शुतुरमुर्ग मत बनो, मिट्टी में अंदर घुसाए हुए मत रखो मुंडी को, और आंख खोल के पूरे वैश्विक परिदृश्य में सोचने का कोशिश करो, क्योंकि तुम भारत की एक बहुत ही प्रीमियर जो जॉब होता है आईएएस उसमें सेलेक्ट होने जा रहे हो, भारत का एक बहुत बड़ा, भारत को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने की जिम्मेदारी आप पर बनती है। अगर आप इसके कैपेबल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं भारत लैकिंग करेगा, इसलिए यूपीएससी कहती है इस क्वेश्चंस के द्वारा कि आपका एक बहुत बड़ा विजुअल होना चाहिए, आपका एक वैश्विक परिदृश्य होना चाहिए, आपको हर चीज को कनेक्ट करके सोचने और समझने की क्षमता होनी चाहिए कि आज सेंट्रल एशिया में क्या हो रहा है, आज अफगानिस्तान पे क्या हो रहा है, आज यूरोप में क्या हो रहा है, आज रशिया में क्या हो रहा है, किस तरह से जो ईस्टर्न यूरोप है वहां युद्ध चल रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, इन सारे चीजों का क्या इम्पैक्ट भारत पे होगा वो सोचो, और 2047 के लिए, भारत के निर्माण के लिए आप अभी से कमर कस लो, यही बात इस क्वेश्चन से डिराइव होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच जिनको जरूरत हो उनको ये वीडियो शेयर करें, अपना वैल्यूएबल कॉमेंट दें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू डियर।